सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा को लेकर। इरेडा के साथ साथ इसके साथ जो स्टॉक्स कवर होंगे वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। पीएफसी फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC लिमिटेड, बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि PNB बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, तो सभी के सभी जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो भी कवर हो जाएंगे इस एक न्यूज के साथ, और जिसकी वजह से इन शेयरों में बना भी भारी भरकम फॉल। तो कारण क्या रहा है? सबसे पहले देखो, मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो PFC की वीडियो उसके अंदर और REC लिमिटेड की वीडियो उसके अंदर। देखो भाई, इरेडा के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उसके बावजूद इसमें तेजी नहीं इतनी खास बन पाई। PFC है, REC है, PFC के रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन REC लिमिटेड के रिजल्ट तो आ गए हैं। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी बनी, लेकिन अभी टाइम एक बिग फॉल आज के दिन, तो ये RBI की तरफ से मिला बड़ा झटका। तो RBI की तरफ से ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से इन शेयरों में भारी भरकम फॉल देखने को मिल रहा है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या इस खबर के बाद जो इरेडा है या फिर जो अदर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके अंदर और फॉल बन सकता है या फिर नहीं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 4.5% करीब ये स्टॉक भी फिसला है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा बहुत संभल रहा है, लेकिन संभलेगा कहाँ तक ये भी नहीं कह सकते भाई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 2,20,00,000 के आसपास की वॉल्यूम हमें सुबह सुबह देखने को मिल चुकी है। तो चलिए भी सबसे पहले देख लेते हैं आखिरकार क्या खबर आई है RBI की तरफ से जिसकी वजह से इन शेयरों में भारी भरकम फॉल हुआ आज के दिन। जैसा कि यहां पर आप लोग देखोगे भी RBI की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया था, ठीक है, गाइडलाइंस आते हुए नजर आई। RBI प्रपोजेज टाइटर रूल्स फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो RBI के रूल्स है वो टाइट रूल्स देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से आज आप लोग देखोगे इनमें भारी भरकम फॉल का हमें जो ना भी सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों किया गया? देखो भाई, जो इंडियन बैंक्स हैड सीन लार्ज डिफॉल्ट्स अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन स्टार्टिंग, तो 2012-13 के दौरान जो ना भी भारतीय बैंकों ने, ठीक है, भारी मात्रा में ऋण देने के कारण आप लोग देखोगे जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स है, ठीक है, कि ढांचे ऋणों में आप लोग देखोगे बड़ी चूक देखी गई, ठीक है, तो वहां पर एक बड़ी चूक थी जिसके कारण आप लोग देखोगे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है, उसके ऊपर आप लोग देखो भारी दबाव पड़ा था भाई। और उसी को देखते हुए आप जो ना भी RBI ने ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। तो RBI का देखो भाई मेन मोटिव क्या है यहाँ पर, जो प्रोविजंस है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो प्रोविजंस है वो बढ़ाना को लेकर जो अभी अपडेट आई है, ठीक है, इसको जो है बढ़ाने के बारे में इनका आदेश है। और जैसे ये आदेश आया तो देखो भी प्रोविजंस अगर बढ़ेंगी तो कंपनी की नेट वर्थ पर असर आएगा, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स पर असर आएगा, और प्रोविजंस भी कितनी बढ़ रही है, लगभग 5% के करीब, ठीक है, तो 5% के करीब जो प्रोविजंस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर बढ़ाए जाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इनके देखो फाइनेंशियल्स के ऊपर भी तो असर आएगा ही आएगा, साथ में जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, ठीक है, और नेटवर्थ है, वहां पर भी हमें जनाब अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन है, ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इन शेयरों में ये भारी भरकम जो गिरावट है आज के दिन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये क्यों किया गया भी 2012-13 में जो भी इनको अचूक देखने को मिली, जिसकी वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा अपने क्या बोलते हैं लाइन से हट गया था या फिर वहाँ से जो ना भी थोड़ा सा डगमगा गया था, उसी को देखते हुए जो ना भी RBI ने ये बड़ा कदम यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोविजंस है वो 5% आप लोग देखोगे हाई की जाएगी, ठीक है, और इसके बाद जो असर है वो तो आपको पता होगा स्टॉक के ऊपर या फिर जो इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग दिस कैन बी रिड्यूस टू 2.5% व्हेन ए प्रोजेक्ट बिकम्स ऑपरेशनल एंड 1% आफ्टर द प्रोजेक्ट स्टार्ट जनरेटिंग कैश सफिशियंट्स टू कवर द लेंडर्स रीपेमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो आप लोग देखो किसका मतलब कि RBI की जो गाइडलाइंस हैं इसके थ्रू आप लोग जब कोई परियोजना चालू हो जाती है, ठीक है, जब कोई परियोजनाएं आप लोग देखोगे चालू हो जाती है, बिकम ऑपरेशनल
तो उसके दौरान आप लोग देखोगे 2.5% तक जो है अभी कम किया जा सकता है। जो परियोजना के ऋणदाताओं की पुनर्भुगतान रीपेमेंट से जो पुनर्भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न होने के बाद 1% तक कम किया जा सकता है। तो ये RBI की गाइडलाइंस है और इन्हीं की वजह से आप लोग देखोगे जो भी फाइनेंस कर रही है कंपनी, चाहे वो पावर सेक्टर से हो और इन सेक्टर्स की जो कंपनियां जैसे ICICI PFC और IREDA, इनके साथ साथ बैंकिंग स्टॉक क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि बैंकिंग शेयरों या फिर जो भी बैंक है जैसे PNB, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और अदर बैंक्स हैं, इनका इनके साथ आप लोग देखोगे भी ये इन शेयर जो ये फाइनेंशियल ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे IREDA ने अभी पीछे PNB के साथ है, या फिर आप लोग देखोगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ है, जिस प्रकार से डील्स की थी, या फिर आप लोग देखोगे समझौते हुए थे, MOU पर साइन हुए थे इनके आपस में, आप लोग देखोगे जो भी आगे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने को लेकर, तो ऐसी अगर खबरें आएंगी भी तो उनके ऊपर भी असर होगा। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि इन शेयरों के ऊपर भारी भरकम दबाव है। लेकिन देखो ऐसी अगर खबरें आएंगी तो एक बार थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये दबाव लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, खबरें ऐसी आती रहेंगी जिसके ऊपर दबाव थोड़ा बढ़ेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन शेयरों में काफ़ी अच्छा असर हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ये शेयर अच्छे खासे फॉल पर हमें नीचे में दिखाई दे तो वो हमारे लिए एक और बड़ा मौका तैयार हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा संभल के चलना, ठीक है। ऐसा है कि आज अगर ये 3-4% टूटे तो घुस जाए स्टॉक्स के अंदर, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा संभल के आगे के लिए चलना आई थिंक सही रहेगा। और बाकी वीडियो को पहुंच करके आप लोग इसे डिटेल में पढ़ भी लेना भाई, ठीक है, तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो ये खबरें हैं, इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन शेयरों के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे बिल्कुल न मिस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।